राजस्थान अपनी कला, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखता है। राजस्थान में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक राजस्थान के विभिन्न शहरों में पहुंच रहे हैं। जयपुर के पर्यटक स्थलों पर भी काफी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। करीबन 12 से 15 हज़ार टूरिस्ट हैं आमेर में आ रहे हैं, 6 से 7 हज़ार हवा महल में आ रहे हैं, 6 से 7 हज़ार ही जंतर मंतर में आ रहे हैं और 5 से 6 हज़ार हमारे अल्बर्ट हॉल में आ रहे हैं। टोटल प्रतिदिन जो है 30 से 40 हज़ार पर्यटक हमारे जयपुर के स्मारक और संग्रहालयों पर आ रहे हैं। राजस्थान के जितने भी हमारे संग्रहालय हैं और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम अपडेट भी कर रहे हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित भी रख रहे हैं। टूरिस्ट को जो बेसिक फैसिलिटी प्राप्त होनी चाहिए वो भी हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सफाई पे विशेष ध्यान फोकस किया हुआ है हमने कि सभी संग्रहालय, सभी स्मारक जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, ताकि एक अच्छा संदेश लेकर टूरिस्ट अपने घर जाए। जंतर मंतर देखिए, 1728 में महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड ने एस्ट्रोलॉजी को बढ़ाने के लिए ये 5 जंतर मंतर हमारे इंडिया में बनाए हैं, और इनमें से जो वर्किंग जंतर मंतर है हमारा जयपुर का है। अभी हमने हवा महल देखा, वो भी बहुत प्रीति था। हमें पता चला कि कैसे रानियाँ राजा के प्रोसेशंस को देखती थी ऑफ फ्रॉम द विंडोज, और कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़ा पहनते थे, ये सब। और अभी हम आए हैं इधर जंतर मंतर में, हमें मालूम पड़ा कि कैसे टाइम देखते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आई थिंक वर्ल्ड डायल है, टाइम डायल है, और कैसे आपका राशि जानते हैं और ये सब। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत प्रीति है। आज हम यहाँ पे आए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, और आज सारा जयपुर घूमने का मन है। हवा महल देखेंगे और आमेर फोर्ट जो कि यहाँ बहुत मशहूर है, तो ये सब देखना है। और ये बहुत ही खूबसूरत है सारा। राजस्थान में सितंबर माह से ही पर्यटक सीजन शुरू हो जाता है जो कि अप्रैल माह तक चलता है। पर्यटक विभाग के अनुसार पिछले वर्ष करीबन 10 करोड़ भारतीय पर्यटक राजस्थान पहुंचे थे। इस वर्ष भी देखा जा रहा है कि जयपुर के विभिन्न पर्यटक स्थल जैसे कि हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल में बहुत संख्या में पर्यटक पहुँच चुके हैं, और आगे भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है।